Hello everyone, in this video lecture we are going to discuss about very short answer type questions which carry one marks. So, here, first one define deforming force and restoring force. Deforming force is the external force applied on a body to change its configuration, that is, length, volume, or shape. डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है एक एक्सटर्नल फोर्स होती है जो कि हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसके कारण उसकी जो कन्फ्रिगेशन कन्फ्रीगेशन मीन्स लेंथ वॉल्यूम और शेप में चेंज आती है टू अंडरस्टैंड लेट अस टेक एन एक्सपेरिमेंट सो हेयर दिस इज द स्प्रिंग सो दिस इज द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग वेन बी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स मीन्स जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा इसकी लेंथ में चेंज आया सो so, इस तरह से इसके ऊपर एक फोर्स डिवेल्प होगी उसको हम बोलेंगे दैट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स नेक्स्ट वन है रिस्टोरिंग फोर्स इट इज द फोर्स डिवेल्प इन अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल कंफ्रिगेशन वेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है किसी बॉडी के ऊपर कब डिवेलप करती है जब हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको खींचा मतलब मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई ठीक है जब मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देता हूँ मतलब स्प्रिंग को मैं छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर आ गया ऐसे रिस्टोर हो रहा है मतलब जब आप इसको खींचोगे तो इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करेगी मतलब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो स्ट्रेच करने के लिए जब आप उसको लेफ्ट कर दोगे तो ये अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा सो इसके जो अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स हमने इस तरफ लगाई टू वर्ड्स पॉजिटिव एक्सेसिस और नेगेटिव एक्सेसिस मतलब इसके अपोजिट जो है फोर्स एक्ट करेगी उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स देन क्वेश्चन नंबर टू डिफाइन द टर्म इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन व्हेन द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अगेन ऑन इट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होती है एक कोई भी मटेरियल बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन मतलब दोबारा उसी पोजीशन में आ जाती है जैसे अगर आप एक रबड़ बैंड को ले लो अगर जब आप उसको खींचते हो तो क्या होता है आप उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो जब आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को मतलब जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसको स्ट्रेच करने के लिए अगर आप जब उसको रिमूव कर दोगे तो वो रबर जो है अगर वो उसी पोजीशन के पहली पोजीशन के ऊपर आ जाए दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल बॉडी नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री इन क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन स्ट्रेस एंड स्टीन स्टेस क्या होता है और स्टीन क्या होती है स्टेस क्या हो गया द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस मींस जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करेगी बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज द स्ट्रेस तो स्ट्रेस किसके और फोर्स एरिया स्ट्रेन क्या होती है द रेशियो ऑफ चेंज इन द कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन मीन्स जब आपने किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई मतलब जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा मतलब उसकी लेंथ में मान लो इंक्रीज आ गया तो जो उसकी एट दैट टाइम जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी अगर हम उसकी रेशियो लेते हैं उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के मतलब जो पहले उसकी पोजीशन थी तो दैट इज नोन एज द स्ट्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एस आई एस आई सिस्टम में स्ट्रेस के यूनिट क्या होते हैं तो हमें पता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस के यूनिट आ जाएंगे उसके यूनिट क्या होते हैं न्यूटन और एरिया क्या होते हैं मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स और इसके यूनिट होते हैं पास्कल भी होते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेशर भी किसके और होता है फोर्स अपॉन एरिया क्योंकि प्रेशर भी हमारे पास फोर्स पॉन एरिया होता है सो so, जो स्ट्रेस होगी उसके सेम यूनिट होते हैं प्रेशर के तो प्रेशर के यूनिट किसके क्या होते हैं पास्कल। तो स्ट्रेस के भी क्या हो सकते हैं पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव इज स्ट्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी? जो स्ट्रेस है वो वेक्टर क्वांटिटी है नो स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस स्ट्रेस के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है आपने स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स के लिए यूनिट होती है एम एल टी माइनस टू ओवर एरिया का होता है एल टू ये एल टू ऊपर जाके माइनस टू बन जाएगा ऊपर पहले ऑलरेडी वन है वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माने टू आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर सेवन वर डाइल द मटीरियल प्लास्टिक रेंज इज कंपेरेटिवली लार्ज डकटाइल मटीरियल वो मटीरियल होते हैं जिनका प्लास्टिक रेंज जो होती है वो कंपेरेटिवली लार्ज होती है डकटिलिटी मतलब डकटाइल मीन्स जैसे आपके पास आयरन का आप एक पीस ले लो उसको आप बीट करते हुए थिन प्लेट्स में या शीट में उसको आप स्प्रेड कर सकते हो सो दैट इज़ द डक्टाइल नेचर ऑफ दैट आयरन सो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनकी प्लास्टिक रेंज वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होती है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट वट आर द दिडियस टाइप ऑफ स्टेन जो स्ट्रेन होती है उसकी कौन कौन सी टाइप होती है फर्स्ट वन होती है लॉन्गिट्यूल स्टेन सेकंड वन बॉलीमेट्रिक स्टेन थर्ड वन शियर स्टेन क्वेश्चन नंबर नाइन डिफाइन हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्टेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के दिस इज हुक्स लॉ क्वेश्चन नंबर टेन द यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करना हमने उसको यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्ग स्ट्रेन जो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी वो एक रेशियो होती है टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिटूल स्टेन के बीच क्वेश्चन नंबर इलेवन यंग्स मॉडल ऑफ स्टील इज मच मोर देन द दैट ऑफ रबड़ फॉर द सेम लॉन्गिट्यूलस स्टेन विच वन विल हैव ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यंग्स मॉडल्स होता है स्टील का वो काफी होता है इन कंपैरिजन ऑफ रबड़ के और साथ में गिवन है अगर हम सेम लौंगटूनल स्टेन ले तो इन दोनों में से विच वन विल हैव ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेस किसकी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस होगी वी नो दैट टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई लौंगटूनल स्टेन वाई मीन्स यंग्स स्मॉल ऑफिस दियर फॉर स्टील विल हैव ग्रेटर

वॉल्यूम स्ट्रीन के बीच क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट इज द यंग मॉडल्स फॉर अ परफेक्ट रिजिट बॉडी जो परफेक्ट रिजिट बॉडी होती है उसके लिए यंग मॉडल्स की वैल्यू क्या होती है वी नो दैट यंग मॉडल्स। दिस इज इक्वल टू स्टेस ओवर डेल एल ओवर एल वियर डेल एल इज इक्वल टू जीरो फॉर परफेक्ट रिजिट बॉडी इफ डेल एल जीरो जाएगा तो स्ट्रेस ओवर जीरो दैट इज इन्फाइनिट तो मीन्स यंग्स मॉडल्स ऑफ परफेक्ट रिजिट बॉडी इज इन्फिनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वट इज द वर्क मॉडल्स फॉर ए परफेक्ट रिजिट बॉडी जो वर्क मॉडल्स होता है परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए वो हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट क्वेश्चन नंबर डिफाइन मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंटियल स्ट्रेस टू जो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी होती है वो एक रेशियो होती है किसकी टेंजेंटियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट डू यू अंडरस्टैंड वाई लेटरल स्ट्रेन? द रेशो ऑफ चेंज इन डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रोड टू द इट्स ओरिजिनल डायमीटर अंडर द लोड इज कॉल्ड लेटर स्ट्रेन। लेटर स्ट्रेन जो है एक रेशो uh, होती है चेंज इन डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रोड टू द इट्स ओरिजिनल डायमीटर अंडर द लोड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन डिफाइन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट क्या होती है इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड ऑन हु रिमूवल द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो इलास्टिक लिमिट होती है अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जब हम उस फोर्स को रिमूव कर दें अगर बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर सके मतलब दोबारा उसी पोजिशन के ऊपर आ जाए देन दैट लिमिट इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट क्वेश्चन नंबर एटीन डिफाइन पॉइजन रेशियो द रेशियो ऑफ लेटरल स्टेन टू द लॉन्गटूल स्टेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो जो रेशियो होगी लेटरल स्टेन और लॉन्गटूल स्टेन के बीच में Within the elastic limit, that is known as the poison ratio.